Hi guys, welcome back to my channel Glam Up with Tanya. So today I am up with a review video of this Wow Skin Science Apple Cider Vinegar Face Wash. सो या गाइज, मैंने इसको 30 जून को परचेज किया था ऑनलाइन और अब मैं एक महीने बाद ऑलमोस्ट इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि जब तक से हम एक स्किन केयर के प्रोडक्ट को 3 to 4 weeks रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, तब तक से हमें उसके प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट्स पता नहीं चलते हैं। सो या गाइज, अगर आप देखना चाहते हो इस प्रोडक्ट का डिटेल्ड रिव्यू, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, कॉमेंट ऑन इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। एंड आप इस फेस वॉश को पर्पल ऐप पे, नाइका पे, इनके वाओ स्किन साइंस ऐप पे और अमेजोन पे भी परचेज कर सकते हो। मैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर द इंट्रो, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की, जो कि हमें ये ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में मिलता है। यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है सब कुछ। इस साइड में आपको यहाँ पे इसके सभी इंग्रेडिएंट्स, कैसे इसको यूज़ करना है, सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। गाइस, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हमें ये 399 rupees में 100 ml प्रोडक्ट मिलता है, जो कि आई थिंक इट्स अ रियली गुड डील। एंड अगर हम इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो ये 2 years की शेल्फ लाइफ के साथ आता है। सो या गाइज, मेरे को इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना और थोड़ा सा उससे ऊपर हो चुका है एंड आई एम सीरियसली लविंग इट गाइज। मैं इस फेस वॉश को किसी और फेस वॉश से कंपेयर नहीं कर सकती गाइज। और जो एक मेन रीज़न है इसका, वो है इसका ये सिलिकॉन ब्रश। पहले जब मैंने इसको देखा था, इस फेस वॉश के बारे में देखा था, तो मेरे को ऐसा लगा था कि कहीं इसका जो ब्रश है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श ना हो फेस पे। बट बिलीव मी गाइज, इसका जो ये ब्रश है, ये सिलिकॉन ब्रश है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। यू कैन सी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। एंड गाइज, इसके लिए ना हमें यहाँ पे एक कैप भी मिलती है, जिससे हम इसको कवर करके रख सकें, जिससे कि ये गंदा ना हो। और अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये यहाँ पे बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली काइंड ऑफ पैकेजिंग है, प्लास्टिक पैकेजिंग है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको कहीं लेके जाएंगे तो ये टूट जाएगा। और यहाँ पे हमें पंप मिलता है, जिसको प्रेस करने के बाद यहाँ से हमारा फोमिंग फेस वॉश निकलेगा। गाइज, इस फेस वॉश में 4 variant आते हैं। एक तो ये एप्पल साइडर विनेगर वाला है, एक चारकोल वाला है, एक एलोवेरा वाला है और एक शायद उपटन फेस वॉश है। मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो एप्पल साइडर विनेगर है, ये स्पेशली एक्ने इशूज़ के लिए होता है और मुझे एक्ने इशूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे एक्ने, पिंपल्स वगैरह काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जिससे कि वो होएं ही ना, पहले से ही रिड्यूस होने लग जाएं। एंड गाइज, अगर इस फेस वॉश की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल सल्फेट पैराबन फ्री है, जो कि स्किन केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें स्किन केयर में वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो कि बिल्कुल पैराबेन एंड सल्फेट फ्री हो, जिससे कि हमारे स्किन को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दी प्रॉपर्टीज एंड पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी प्रोसीजर ऑफ यूजिंग इट। सो गाइज, जैसे कि इसके इंस्ट्रक्शन है, इसको हमें डैम्प फेस पे यूज़ करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं पहले यूज़ कर रही हूँ डाबर का रोज वाटर और थोड़ा सा इसको लेकर के मैं अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लूँगी। और फिर मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मिंग फेस वॉश निकाल लूँगी और धीरे धीरे अपने फेस पे इससे मसाज करने लग जाऊंगी। गाइज, इसको हमें 2 मिनट तक मसाज करना है। एंड गाइज, बिलीव में, जो इसका ये सिलिकॉन ब्रश है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है स्किन पे, तो ये इजीली हम इससे मसाज कर सकते हैं। गाइज, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और फॉर्मिंग फेस वॉश लूँगी और अच्छे से अपने फेस को डीप क्लीन करूँगी। गाइज, ये जो फेस वॉश है, ये और फेस वॉशेस से इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है कि ये डीपली क्लीन कर देता है, काइंड ऑफ स्क्रबिंग कर देता है ये फेस की, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और हाइड्रेटेड फील होता है जब हम इसको मसाज करके फेस वॉश करते हैं। तो सो गाइज, मैंने अच्छे से इसको मसाज करके 2 मिनट तक अपना फेस वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी गाइज कि मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, कितना ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है। सो या गाइज, मैं इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली आप सबको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि आपकी आंखों के सामने हैं। सो या गाइज, दैट्स ऑल, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके लिए ये रिव्यू हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। सो या गाइज, दैट्स इट, मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।